सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि अगर इंसान चाहता है कि मेरे काम आसानी से हो जाया करें कोई रुकावट और मौने पैदा आवार जात ना हो को आवारज़ात ना आया करें तो उसका तरीका ही जब सो के उठे तो उठते ही बीस मरतबा कम से कम इसका विरद कर ले या मुख्तादी रू या मुख्तदी रु ट्वेंटी टाइम चाहे तो ज़्यादा कर ले एक सौ एक दफ़ा कर ले, लेकिन बीस मरतबा कम से कम रु करके फिर ये अपना वजू नमाज में लग जाया करे तो ये सब उठते ही इसका इतनी दफा करना इसके किसी भी काम में कोई रुकावट और कोई आरज नहीं आने देगा ये इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर और दूसरी तासीर इसके अंदर ये है कि इंसान में इस्तामत नहीं है इस्तामत नहीं है बल्कि तबीयत में गफलत है वो काम पूरा होता नहीं है बीच में छोड़ देता है शौक़ वोक से शुरू करता है फिर वो काम रह जाता है तो इस्तकामत पैदा करने के लिए इसमें बड़ी तासीर है उसके लिए है कि इंसान अपने नाम की अदद निकाल ले अपने नाम की अदर पता नहीं तो इसका जो अदर है सेवन फोटी फोर तो गोया कि सात सौ चवालीस मरतबा इसका वेद करे वेद करके बदन पे दम करे अबला ग्यारह मरतब दरुदय इब्राहिमी और आधा कप पानी दम करके पानी पी लिया करे और अल्लाह से इस्तकाम की और जो है वह तय उसकी दुआ कर दिया करे फोटी वन डेज पाबंदी से करे इन रामत से जो है इसके अंदर इस्तकामत और जब वो एक ख़ास किस्म का तय पैदा हो जाएगा और अमूर में जो इसके अंदर गफलत है तकास ख़त्म हो जाएगा ये इसमें ख़ूबी और ये ख़ूबी है कि अगर घर से निकला किसी काम के लिए किसी मुहम के लिए कोई मुकदमा है या जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए वो चाहता है कि अल्लाह तबारक व ताली की खास रहमत रहमत लाई शामिल हाल रहे और वहाँ पर काम मेरा आसानी से हो जाए या किसी हाकिम से मिलने जा रहा है तो उसके सामने मुआज़ज़ जो महबूब रहे उसके लिए कि या तो इसके जो आदत हैं सात सौ चवालीस या अपने नाम की आदत निकाल के अपने नाम की आदत को तीन के साथ मल्टीप्लाई करें करके जो उसका विरद करें अवला की ग्यारह मरतरशी करके दम करे और दुआ कर ले कि अलफला काम के लिए जा रहा हूँ और उस काम में मुझे भरपुर कामयाबी दे और सारे रास्ते में इसका विरद करता जाए या मुख्त या मुख्त या मुख इन शाला वहाँ जब पहुँचेगा वहाँ इज़्ज़त भी मिलेगी और आपका काम भी हो जाएगा बहुत बहुत ये इसमें फ़ायदा होता है और एक फ़ायदा यह है कि कोई ालिम है कोई मुझी दुश्मन है सताता है परेशान करता है और किसी तरह बाज़ आने को तैयार नहीं है और हालांकि बज़ा कोई ऐसी माकूल रीज़न नहीं है कि वो दुश्मनी करे ऐसे ालिम से छुटकारे के लिए इसमें बड़ी तासीर है कि इंसान जो अगर दो नमाज हाजत पढ़ सके तो बहुत अच्छा है अगर नहीं पढ़ सकता मतलब ख़वात है नमाज के दिन नहीं है उसका तरीक़ा है कि वजू करके सईदे में चले जाएँ सईदे में जाके इसका विध शुरू कर दें अपने नाम के अदद से करें या सात सौ चौ चौलीस मरतबा या मुख्तुर कर का वध करें विध करके सर उठाएँ और उठा के हाथ अल्लाह के सामने फैला दें कि अल्लाह ये जालिम है इस जालिम की म से निजात दे और इस जालिम को कैफे किरदार तक पहुँचा बस वह आपके आप हाथ भी नीचे नहीं गिरेंगे कि अल्लाह के यहाँ कबूलियत हो जाएगी सर बहुत ज़बरदस्त ताकत है बहुत इस तरीके से आप जो है आपको नाफ़ी होता है हज़रत ये जो आपने बातें बताई इसमें पहली बात तो जो मुझे समझ आई वो आपने ये फरमाया कि सुबह आँख खुलते ही बिस्तर बड़। पे यानी फजर के बाद जब आप उठें तो पहले बीस दफ़ा इसको पढ़ें फिर आप वजू के लिए जाए ऐसे ही है ठीक है और और फिर आपने बात की मुस्तकिल मिजाजी हासिल करने का तरीका यानी मुस्तकिल मिजाज लोग जो होते हैं वो कामयाब लोग हो जाते हैं तो कामयाबी हासिल करने का तरीक़ा है कि सात सौ चवालीस दफ़ा और दरुद शरीफ बल आखिर और इकतालीस रोज ये बात ठीक ठीक है और फिर ये किसी बड़ी पेशी में जाना हो सही बात है जॉब के लिए हो चाहे मुकदमा हो चाहे कोई ऐसी कोई बड़ी बात हो रिश्ते की बात हो कुछ भी हो सही तो 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 उसमें इसकी तैयारी कर लें और और एक एक जो बहुत अहम बात आई वो ये कि दुश्मन ऐसे दुश्मन हैं जिनको पता नहीं है कि उन वजह क्या है दुश्मनी की लेकिन रुकावटें डालते हैं दुश्मनी करते हैं और यहाँ पे क्योंकि काले गोरे का बड़ा मसला है तो गोरे लोग आजकल ऐसी दुश्मनियाँ करते हैं हम लोगों से करते हैं तो उसकी रुकावट के लिए इस, इसका इस्तेमाल करें सही बात बहुत अच्छा तो, तो तो ये 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 सारी बड़ी काम की बातें हैं और बड़ी रोजमर्रा की बातें हैं हम हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हैं और लोगों के सवाल हैं इसमें बहुत कि जी कामयाबी कैसे हासिल करें जल्दी काम आसान काम आसान नहीं होता अभी मेरे पास सवाल है किसी का कि हमारे काम ही आसान नहीं होते तो आपने जवाब दे दिया बहुत बहुत शुक्रिया हजरत